वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों आज फिर मैं आपके सामने आजादी का एक नया किस्सा, नई कहानी लेकर आया हूँ। और यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण है, इतिहास की घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि जहां तक मेरा मानना है, सोचना है कि भारत के हर एक नागरिक को यह कहानी पता होना चाहिए, यह किस्सा पता होना चाहिए। क्योंकि उन दिनों के बड़े कांग्रेस के नेता थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया था ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर कि हम आज तक उसी अंधविश्वास और वहम में जी रहे हैं कि हाँ उन्होंने ही हमारे देश को आजादी दिलाई। बल्कि उन्होंने भारत को, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ना रहकर भारत और पाकिस्तान दो ऐसे धर्म के आधार पर देश बना दिए जो हमेशा आपस में लड़ते रहे। तो भाइयों यह कहानी जो यह मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत का पार्टीशन क्यों हुआ, इसके जो तीन मेन विलेन थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। और आज मैं वही जो तीन विलेन थे उनमें क्या रिश्ता था, कैसे कैसे संबंध थे उनमें, उन्होंने कैसे भारत को भारत ना रहकर पाकिस्तान में बांट दिया, वही सारी चीजें बताऊंगा। और एक और बात भाइयों, यह ऐसी कहानी होगी जो ना कभी हमको बताई जाएगी, ना कभी न्यूज चैनल वाले दिखाएंगे, ना कभी हमारी किताबों में यह सम्मिलित की जाएगी। क्योंकि यह उन बड़े नेताओं की कहानी है जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें वह आदर्श मानते हैं अपना, तो उन्हीं नेताओं के बारे में यह कहानी है जिन्होंने भारत को भारत ना रहकर पाकिस्तान और भारत में तब्दील कर दिया। यह ऐसे दो देश बना दिए जो हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे। लेकिन भाई जिनके पास पैसा है उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो सत्ता चाहिए थी। और जो सत्ता के दलाल, ये सत्ता के दलाल कहना उनके लिए कोई बुरा शब्द नहीं है, बहुत अच्छा शब्द है। तो आज मैं उन्हीं बातों को आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसे कैसे भारत का पार्टीशन करवाया। तो भाइयों चलो बात करते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना बेटन साथ पढ़ा करते थे इंग्लैंड में, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, हैरिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू थे वो एडविना बेटन भी उन्हीं के बैच में थी, तो वे दोनों उसी लड़की के पीछे लगे हुए थे। तो अब वहां से डिग्री लेकर, वो बैरिस्टर की डिग्री लेने गए थे, तो वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जवाहरलाल नेहरू आ गए यहाँ इंडिया में और मोहम्मद अली जिन्ना आ गए। तो उन दोनों इंडियन मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी थी जो मुसलमानों की कभी थी नहीं, लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि इस इंडियन मुस्लिम लीग को इतना बढ़ावा दो कि यह पाकिस्तान बनाने पर मजबूर कर दे। और उस इंडियन मुस्लिम लीग के जो नेता थे ना वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और अपने कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेताओं में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू थे। तो अंग्रेज सरकार जो इंडियन मुस्लिम लीग थी उन्हें बहुत प्रमोट करती थी, इंडियन मुस्लिम लीग को बहुत प्रमोट करती थी। जो उन दिनों एक न्यूज़पेपर चलता था इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो अब भी चलता है और तब भी चलता था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना को अगर जुकाम खांसी बुखार भी होता था ना, छींक भी आती थी, तो वो हेडलाइन बन जाती थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। क्योंकि अंग्रेजों की यही रणनीति थी कि उनकी पॉलिसी थी कि इंडियन मुस्लिम लीग को इतना बढ़ावा दो कि आगे जाके जब पार्टीशन का, जब कोई भारत आज भारत को आजादी देने का समय आए तो भारत में पार्टीशन के लिए दंगे होने लगे, एक पार्टी अलग से अपना वो मांगने लगे, अपना देश मांगने लगे रहने के लिए धर्म के आधार पर, वो भी तो इंडियन मुस्लिम लीग थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुसलमान कभी मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नेता नहीं मानते थे, मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमान कभी अपना नेता नहीं मानते थे। इसके भी कारण है क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पोर्क खाते थे, शुगर का मांस, और जो हराम है मुस्लिम लोगों में, जो मोमडन धर्म है, मुसलमान धर्म है, उसमें यह हराम है पोर्क खाना, शुगर का मांस, और वह शराब भी पीते थे, यह भी हराम है। तो कभी भी उन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नेता नहीं माना। और लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वह इंडियन मुस्लिम लीग को इतना बढ़ावा दे चुकी थी कि वह इतनी बड़ी पार्टी बन गई थी उन दिनों की, बहुत सारे लोग जुड़ गए थे उनसे। लेकिन एक और बात मैं बता दूं आपको, जब पाकिस्तान बना था ना तो पाकिस्तान केवल मोहम्मद अली जिन्ना की जिद पर बना था, और जो मुसलमान लोग थे जिनके लिए पाकिस्तान बना था वो कभी चाहते ही नहीं थे कि वह पाकिस्तान में जाए, वहां रहे, और ना वह गए, वह भारत में ही रह गए। जब
जभी तो भारत में इतने मुसलमान है जितने पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि कभी उन्हें पाकिस्तान मिला ही नहीं, जिनके लिए बना था उन्हें कभी पाकिस्तान मिला ही नहीं। तो मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू आ गए यहाँ, तो 1947 की बात है जब बात चल रही थी कि भाई हमें आजादी चाहिए, हिंदुस्तान ने मतलब अपनी लड़ाई लड़ी और वह आजादी की उन सीमाओं, उन चरम सीमाओं पर पहुंच गया कि अब ब्रिटिश सरकार को उन्हें आजादी देनी पड़ेगी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपने जो लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेज दिया। और एक और बात, एडविना बेटन, क्योंकि जो ब्रिटिश की पुलिस थी उन दिनों वो खुफिया पुलिस रहा करती थी, तो उन्होंने जानकारी जुटाई कि हाँ ऐसे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना ये बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं के पीछे हमेशा पुलिस लगी रहती थी, उनकी ब्रिटिश सरकार की जानकारी जुटाती रहती थी। उन्होंने जुटाया कि ये हैरिस कॉलेज में पढ़ा करते थे और वहाँ इस लड़की के पीछे वह लगे हुए थे। तो उन्होंने एडविना बेटेन को माउंट बेटेन की पत्नी बनाकर, झूठ मूठ की पत्नी बनाकर भारत भेज दिया। और माउंट बेटन और एडविना बेटेन में समझौता हुआ कि आप जाओ वहां का पार्टीशन करवा के आओ, यह समझौता हुआ, उसके बाद आप कोई पति पत्नी नहीं हो। ऐसा माउंट बेटन की डायरी में लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने यह किया था। ऐसा कोई मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, यह सारी चीजें डॉक्यूमेंट हैं, यह कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में लगी हैं। आप गूगल करना, आपको बहुत सारे ऐसे इमेज मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ ये बातें हैं। तो अब एडविना बेटन आ गई माउंट बेटन के साथ, तो उन्होंने, अब जब माउंट बेटन ने फिर एडविना बेटन के साथ मिलकर अपना खेल खेलना शुरू किया, मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू से फिर अच्छे संबंध बनाने के लिए उनसे बातें होती रही, और मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी एडविना बेटन के घर आते रहे। तो यह बात है 3 जुलाई, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना बेटन के साथ। आप गूगल करना, आपको इतनी इमेज मिलेंगी, सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, आपस में किस करते हुए, पता नहीं कैसी कैसी अश्लील हरकतें करते हुए, ऐसी ही इमेजेस आपको मिलेंगी गूगल करना, नेहरू के साथ भी एडविना बेटन की। तो ये सारी इमेज थी एडविना बेटन के पास। और 3 जुलाई 1947 का दिन था जब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ना, जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू, वह एडविना बेटन के पास गए। तो एडविना बेटन ने उनकी तस्वीरें निकालनी बिस्तर में, बेड में, और 3 जुलाई को सुबह 3 बजे ही वे तस्वीरें दिखाकर एडविना बेटन ने कहा था, या तो आप इस पेपर पर, एक पेपर था उस पर साइन कर दीजिए, वरना मैं इन तस्वीरों को टाइम्स ऑफ इंडिया में दे दूंगी, वह रिलीज कर देंगे। और आप इतने बड़े अच्छे कांग्रेस के नेता हैं, आपकी औकात क्या रहेगी इंडिया में, ये आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने पूछा एडविना बेटन से कि किस चीज के पेपर हैं ये। तो एडविना बेटन ने कहा ये भारत के पार्टीशन के पेपर हैं, आप इस पर साइन कर दीजिए। तो नेहरू एक लड़की के लिए इतना पागल था कि उसने उस पेपर में, भारत के पार्टीशन के पेपर पर साइन कर दिए। उससे एक दिन बाद 4 जुलाई को यही चीज जो एडविना बेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाकर करवाई, मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया, उससे भी कहा कि मेरे पास आपके कुछ फोटोग्राफ है, मैं इन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में दे दूं। तो मोहम्मद अली जिन्ना का बक्का रह गया उन्हें देखकर, क्योंकि उस नेहरू से भी तगड़े पिक्चर, तगड़ी फोटो तो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। तो उसने कहा या तो आप पेपर पर साइन कीजिए, वरना मैं इसे टाइम्स ऑफ इंडिया में रिलीज करवा देती हूँ, फिर आपकी औकात पता चलेगी कितनी है भारत में। तो ये सारी कहानी बनाकर, ब्लैकमेलिंग करके दोनों पे साइन करवा लिए एडविना बेटन ने। अब साइन करवा लिए तो 1947 में अब ये भारत का पार्टीशन हुआ। इन्हीं की वजह से भारत का पार्टीशन हुआ। ये थे मेन विलन। मैं मानता हूँ भारत के पार्टीशन में 3 मेन विलन थे। नंबर 1 जो मेन विलन थे, मेन, उनमें भी नंबर 1 है नेहरू, और नंबर 2 है मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 3 है एडविना बेटन। तो जो नंबर 1 मैं क्यों मानता हूँ नेहरू को, इसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, और बताऊंगा आपको कि क्यों यह नंबर 1 विलेन है, क्यों नंबर 1 चूतिया रहा है नेहरू, इतना बड़ा हरामी करेक्टरलेस कैसे रहा है। क्योंकि भारत में बहुत, एक कहावत बहुत प्रचलित है, इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन।
इफ करेक्टर इज गॉड एवरीथिंग इज गॉड, ऐसी कहावत है। अब उसका करेक्टर इतना गिरा हुआ था तो वह और कितना गिरेगा, तो वह उसने अपना देश बेच दिया इसलिए। और इसकी और भी बातें मैं आपको अपनी अगली वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको अगली वीडियो में इसकी और भी बातें बताऊंगा कि जो नेहरू है क्यों नंबर वन विलेन इसे कहा गया, क्यों मैं सोचता हूँ कि यह नंबर वन विलेन है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटना है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी ऐसी डायरियां मिली हुई है जो आजादी के समय के लोगों की, आजादी के समय के बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने इनकी हरकतों को, इन आरामियों की हरकतों को लिखा है, अपनी डायरियों में लिखा है, किसी ने अपने नोवेल में लिखा है। आप गूगल करिए, आपको बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी नोवेल मिलेंगे जिनमें लिखा गया है। और एडविना बेटन की बेटी ने खुद आज से 7-8 साल पहले एडविना बेटन की डायरी के ऊपर एक बुक लिखी थी, उसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो उसमें भी एडविना बेटन की बेटी ने ये नेहरू के सारे जो फोटो वगैरह, लेटर वगैरह जो एडविना बेटन को भेजे जाते थे वो सारे लिखे गए हैं। तो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना जो आए, उसमें इसके बारे में और मैं बताऊंगा डिटेल में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, जय हिंद।